हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज 2 दिन से धूप निकला है अभी, और देखो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ पूरा। तो गाइस, आज ना हम लोग जा रहे हैं हाफलॉन्ग वापस जा रहे हैं। तो अभी सब रेडी हो गया है और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से थाना लामरा से हाफलॉन्ग जाएंगे। और घर पे तो मम्मी जी तो नहीं है, मम्मी जी का आज ट्रेनिंग था गुंजुम पे, मम्मी जी सुबह को चली गई, सुबह खाना वाना खाकर मम्मी गई। और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से थाना लामरा से हाफलॉन्ग। सो गाइस, सब लोग मेरी ब्लॉग पे बनी रही है। तो बारिश की वजह से रास्ता का कंडीशन कैसा है पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। तो आप लोग भी देखिए, सामान निकाल लिया, गाड़ी में डालेंगे। चुनचुन कहाँ? बाहर। चुनचुन, रसना ले। आगे शंकर। ओ जिन्स बांगबा। हेलो। देखो इतना ज्यादा सामान भर गया, मेरा सामान कहाँ डालेगा? चाउ टू खो आटो गो हर्षी ब्रोन ढाने संग प्लास्टिक हाट डों बुखे लाबू सब कब लेकर ना पूरा, तो पूरा फुल है। तो आज भाभी लोग और हम जा रहे, मैं और भाभी लोग की फैमिली। सिर्फ आज घर पे सिर्फ मम्मी जी रह जाएगी अकेली, रूपक भी नहीं है, वो तो हाफलॉन्ग है, परसों ही चला गया था। जाओ डालो। तो आज पूरा घर खाली खाली हो जाएगा फिर से। चुन चुन रेडी हुआ कि नहीं? रेडी हुआ। रेडी? आर यू रेडी? या। जा उठो उठो। अरे खम्मा। तो चलिए हम लोग सब भी गाड़ी पे उठ गया है। अंदर सबा। तो गाइस अभी ना 1 बज रही है दोपहर की 1, और हम लोग अभी हाफलॉन्ग जाने के लिए निकला है। और देखिए, हम घर से निकलने के साथ साथ फिर से बारिश देना शुरू हो गई, अचानक से फिर से बारिश आ गई। खाते जब से गाड़ी पे उठा तब से खाई जा रही है। मुझे कुरकुरी लिया है। अर्शिला रशिक लोग अभी यहाँ गुंजुंग व्यू पॉइंट पे आए, यहाँ पे पहुंचा तो सब अभी यहाँ पे फोटो लेने के लिए निकल रहे। और बाइको स्नैप बाइको। हम लोग अभी यहाँ गुंजुंग व्यू पॉइंट पे पहुंच गया है, और आज का वेदर तो इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं बता नहीं सकती। अगर आप लोग यहाँ पे इस स्पॉट पे अभी होते तो आप लोगों को पता चलता कि आज का वेदर कितना अच्छा है। हल्की हल्की हवा और ये पूरा फॉग कितना फ्रेश लग रहा है। बारिश आ गई, देखो बस अभी फिर धूप दिया, फिर बारिश, फिर हमें रास्ते में बारिश मिला, बारिश दे दिया। गाइस देखिए इतना हवा जो पड़ रहा हुआ ना, पूरा बाल उड़ते हैं, सूख गया देखो पूरा भी। तो अभी हम लोग फिर से यहाँ से जाएंगे, फिर जब बारिश गिर गया तो बाय बाय, यहाँ से चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। गुंजुम का स्कूल हर्षी कहते हॉस्टल अटा के शिंगा मना ही रहा हर्षी के दाना ही हॉस्टल डांग शिंगमा। अंगुल शिंगमा नहीं पुरी। पास तुम पुरी लाभ पास तुम पुरी। नहीं नहीं। वाह तुम पुरी बाबरी लाभ। फिर से रास्ते में गाड़ी रुका है और दुकान पे कुछ खरीद रहा है। बाबरी लाभ वो क्यों बुरी खा रहा है? अच्छा। अब या। आये दूर ने घर पे नहीं है, वो मालवन गया, तो चाबी मेरे पास एक है तो मैं खोलूंगी। उना आंग फाइमाच कन बसो के फ्रावया आंग माइसुया बानी आंग माइसे सेंस के लगे इडा गाडा खुरुवा खुश डन च
देखो हेलो यहाँ पे आके परोठा खा रही है। आते समय सेंटर से हम लोग परोठा लेके आया। भूख लग गया सबको ना हर्षी, भूख लगा ना, भूख लग गया, खाओ जल्दी। मैं चाय बना रही हूँ, आके मैंने चाय बिठा दिया। भैया को जल्दी जाना है, मतलब कि ये लोग को वापस जाना है घर, तो यहाँ पे अभी चाय पीकर जाएगी वो लोग। तो मैं भी चाय बना रही हूँ, और रूपक भी शायद पहुँचने वाला है, वो भी आ रहा है, मायबंग गया था सुबह को, तो अभी वो फिलहाल नहीं है घर पे। कहाँ हर्षी, कहाँ है? ये लोग अभी जा रही है वापस। मिलिन बिडो देखो ये भी आ गया, और ये जाएगा वापस। वन गाइड मोर बनाई गए सेस जदाब, ओए निन गाड़ी मोर बा जदाब जंग सेस, ये भी पहुंच गया। और ले बाय 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 बाय, चुनचुन गाड़ी आ लो, बाय 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 बाय, चुनचुन ला चुनचुन से गो मम्मा बाय बाय बाय। तो गाइस भाभी लोग तो चले गई, और मैंने भी ड्रेस चेंज किया, और मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरी सासूमा ने वहां से क्या क्या भेजा है मुझे, यहाँ पे आप लोगों पे क्या क्या दिया है, मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, मैं वो सब दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये, हाँ ये उस दिन थर्सडे वहाँ मार्केट डे है ना, तो वहाँ पे खरीद के दिया मम्मी ने ये ढकनी कढ़ाई के लिए, ये हमारे घर पे कढ़ाई के कढ़ाई साइज का ढकनी नहीं था। ये है फिश, जो सुबह को फिश लेकर आई थी, और फिश को फ्राई करके मम्मी ने कहा कि लेके जाओ बेटा के लिए भेजा है फिश। तो यहाँ ढेर सारे फिश फ्राई करके लेके आया, आज खाएंगे मछली। और यहाँ पे है स्टिंक बीन्स, उसको जला के मैंने लेके आया, क्योंकि वहाँ पे तो अकेली में तो खा नहीं सकती, तो यहाँ पे लेके आया। और ये करेला, करेला घर पे बहुत सारा था, तो मम्मी ने कहा कि करेला लेके जाओ, तो करेला दिया। और ये टिन फिश मम्मी खरीद के रखा, उसने कहा कि वो अकेला है वो नहीं खा सकेगा, तो मम्मी ने कहा इसे भी लेके जाओ, तो मैं लेके आ गई। और क्या, और ये क्यूकम्बर, ये मम्मी ने स्पेशली थर्सडे को मेरे लिए खरीद के दिया। मम्मी ने बोला मैं तो तुम्हारे लिए लेके दिया, कौन खाएगा यहाँ पे, ये भी लेके जाओ, तो ये भी लेके आ गई। उसके बाद ये उसका बेटा के लिए माइजू स्टिकी राइस भेजा, ये स्टिकी राइस उसका बेटा खाने के लिए दिया, ये देखो तुम्हारे लिए दिया। हाँ तो इतना सारा ये सब दिया है, ये सब मैं लेके आई हूँ, ये सब तो कुछ नहीं है जो छोटा मोटा सा दुकान लगा दिया। करेला मछली ये सब, तो ये ढकनी मिलता कि नहीं, मिलता है ना साइज का। देखो ये इस कढ़ाई के लिए ढकनी नहीं था, तो इसलिए लेके आया, देखो पूरा साइज का है। बाहर की नज़ारा, यहाँ पे भी बारिश दिया तो पूरा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। और फिर से मेरी फूल को आके मैं देख रही हूँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना फ्रेश लग रहा है, बारिश दिया ना तो। देखो यहाँ पे पूरा पानी, तो मैं अभी काम करूँगी, तो मैं अभी घर की सफाई करूँगी, क्या क्या सामान कहाँ कहाँ, जो हम लोग चाय पिया ये सब बर्तन वर्तन धोएंगे, अभी काम करते हैं। उसके बाद तो फिर शाम हो जाएंगे घर का, फिर रात का डिनर बनाना पड़ेगा, तो आज तो डिनर में बनाएंगे मछली, जब मछली लेके आया। फिर से बारिश आ गई गाइस, बुहादी चलंग बो ठरली ए बुहादी, ओवानी पेप्सी मानी लुगु, ओवानी हा बुशाउनी लुगु निहाशा। यस ये फोटो ना यहाँ पे लगा दिया है, अभी मैंने रूपक को कहा कि यहाँ पे लगा दो, तो ये फोटो यहाँ पे लगाया है, तो भी अच्छा लग रहा है ना अभी यहाँ पे, पहले हमारी दूसरी जगह पे था ये फोटो, तो ये अभी लगा रहा है। बस ना बखला डेंग माँ, हाँ ऐसे अच्छा लगेगा नहीं क्या, ऊपर में रख दो वो वाला फोटो। अभी बज रही है 5:30 होने वाला है, 5:20 बज रहा है,
तो ये देखिए यहाँ पे लगा दिया। वो जो ऊपर वाली फोटो फ्रेम है ना, वो हमारी शादी में गिफ्ट दिया था, और ये वाली फ्रेम है मेरे बर्थडे में गिफ्ट दिया, तो ये दोनों को यहाँ पे लगा दिया। और ये वाला बांसुरी भी यहाँ पे, बांसुरी में लाइट भी जलता है ना, ऐसे देखो तो ऐसे कृष्ण बन जाओ ना, पूरा कृष्ण। तो व्यूअर्स, मैंने शाम को थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, अभी उठ के फ्रेश हो गई, उसके बाद अभी मैं डिनर बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन पे। और गाइस, आज की डिनर पे बनने वाली है फिश के साथ क्यूकम्बर। आप लोगों ने खीरा को सिर्फ सलाद में खाया होगा, सब्जी बनाकर खाया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं इस खीरा के साथ मैं बनाऊँगी फिश। तो रूपक ने कहा कि वो भी पहले कभी नहीं खाया, वो मुझे कह रही क्या ये टेस्टी होगा। मैंने कहा रुको तुम खा के तो देखो, बाद में बोलना कैसा है। तो आज मैं खीरा के साथ फिश बनाऊंगी, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी बिठा दिया, ये वॉल स्टिकर इतना छोटा सा है देखो। तो बस देखिए मैंने सब्जी बना रही हूँ मैं अभी, और ये बिल्कुल लौकी की जैसी है, ये जो खीरा है बिल्कुल लौकी की जैसी है। तो देखिए बन गई है मेरी सब्जी, ये देखिए बिल्कुल लौकी की जैसी ये खीरा की सब्जी है। कौन कहेगा तो ये क्यूकम्बर है, इसे जो भी देखेगा भी लौकी ही कहेगा। तुमको लगता है ये खीरा है, बताओ? नहीं, बिल्कुल मिलाओ जैसे लग रही है ना। आज ये पहला बार खाएगा। और आज मैं नया रेसिपी में दो चीज़ मैं नया रेसिपी बनाऊँगी, तो ये तो बना लिया, और एक मैं दिखा रही हूँ जो स्टिंक बीन्स है जो मैंने दिखाई थी, जो मैं घर से जला के लाई थी ना, इसे ऑनियन टमाटर देके इसे आज मैं फर्मेंटेड फिश को तेल पे चढ़ा के बनाऊँगी। तो वो भी देखिए आप लोग, तो मैं कैसे बनाती हूँ और इसका टेस्ट कैसा है मैं खा के बताऊँगी आप लोगों को। फर्मेंटेड फिश को मैं तेल पे फ्राई करके इसको भी फ्राई करके भी बनाऊँगी। ये मेरी फर्स्ट, आज पहली बार ये रेसिपी होगी मेरे लिए, पहली बार है, पता नहीं और कोई और खाया कि नहीं, आई डोंट नो। बनाते हैं अभी। तो तेल गर्म हो चुकी है, तो ये रही फर्मेंटेड फिश, मैंने इसे धो लिया और अभी मैं इसे तेल से देती हूँ। और अभी मैं इसमें दे देंगे स्वाद अनुसार नमक, फिर नमक ज्यादा होगा तो हस्बैंड का डांट सुनना पड़ेगा। चिल्ली पाउडर, लोकल चिल्ली पाउडर है ये, थोड़ा स्पाइसी करते हैं ना, चटनी हमेशा स्पाइसी होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा और खा के बताइएगा कैसा बना है। आह हाँ, नाखून की स्मेल, ऊपर से बायका की स्मेल, मैं तो गाइस हम लोग अभी खाना खाएंगे। मैंने खाना लगा दिया है, अब खा के बताओ कैसा बना। हंड्रेड में कितना मिलेगा? 90। टेन कहाँ गया? टेन कहाँ गया? और ये चटनी खा के बताओ। ये 50 में कितना मिलेगा? 50। तो 10 क्यों माइनस करता है? 10 क्यों माइनस करता है? सच में नहीं, टेस्ट है वो। टेस्ट है 100%। ओके, सबसे पहले तो मैं ये आज फर्स्ट टाइम स्टिंग बीन्स को मैंने जो फ्राई किया, टेस्ट आ रहा था ना इसका, खुद ही बना रही हूँ, मैं खुद ही तारीफ। हम्म,
तो व्यूवर्स हमारी डिनर हो गई और इतना खाया आज दोनों ने मिलके पूरा कुकर ही खाली कर दिया कि सब्जी इतना टेस्टी लगा। सो गाइस आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। सो गाइस मिलती हूँ मेरे अगली ब्लॉग पे। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।